तो भाई वो फाइनल लुक जो सीट कवर से निकल के आई है ना वो ये आई है, एक बार लग जाएंगे फिर आप देखना। ये देखिए आप, इसको कह सकते हैं डिसेंट मॉडिफिकेशन की जा रही है। तो सबसे पहले अपना स्टेयरिंग है वो लगाया जाएगा, जो कि ये वाला स्टेयरिंग निकल रहा है। इन्फिनिटी अल्फा सीरीज के स्पीकर्स लगेंगे, जो किस तरीके से लगे हुए रिंग के साथ में। यहाँ पे देखोगे ना आप तो फ्लोरिंग की जा रही है, जो कि बेसिक वाली फ्लोरिंग है और कुछ इस तरीके से की जाती है। अभी फिनिशिंग आनी बाकी है, जस्ट अभी वर्क स्टार्ट हुआ है। भाई साहब माया पानीपत से। अच्छा। और गाड़ी ले मेरे को एक महीना हो गया तकरीबन, तो मैंने बिल्कुल पूरी जांच पड़ताल पूरी निकाल की, भाई करोल बाग तक की और अपनी जो अपनी माँ कार मार्केट है पीछे कौन सेक्टर 7 वाली भी है। अच्छा। नारपुर विलेज वाली सारी बिल्कुल कवर करके तब जम ये आगे बिल्कुल जो रेट है प्राइस सबसे बेस्ट लगा। निचोड़ के सारा निचोड़ निकाल के आ पाए हो भाई साहब। पता क्या है, बिल्कुल निचोड़ मार गया हो और बढ़िया काम करो और MGP का जेनुइन पार्ट लगवाओ। हेलो भाई, मोंटी मलिक दिस साइड और आज आए SM कार कस्टम पे। यहाँ पे है ना बलेनो आई है, बलेनो बलिनो बेस वेरिएंट की पहचान आप जानते हो, फेंडर इंडिकेटर मिल जाता है और आज इसके अंदर ना बेस से टॉप वाला काम किया जा रहा है सारे का सारा। गत्ते वगैरह खुले हुए हैं, मतलब टॉप नहीं कह सकते हम इसको, कह सकते हैं डिसेंट मॉडिफिकेशन की जा रही है। तो सबसे पहले अपना स्टेयरिंग है वो लगाया जाएगा, जो कि ये वाला स्टेयरिंग निकल रहा है और इसका एयर बैग वगैरह हटाया जा चुका है। इसके अलावा मैं एंड्रो स्टीरियो वगैरह लगाया दिखा दूँगा आपको। इन्फिनिटी अल्फा सीरीज के स्पीकर्स लगेंगे, जो किस तरीके से लगे हुए हैं रिंग के साथ में। इसके अलावा फ्लोरिंग वगैरह की जाएगी, सीट कवर्स वगैरह की जाएंगे, वो तो आपको दिखाऊंगा। साथ में जो पीछे प्रोसेस है ना लगाने का वो देख लो किस तरीके से है। ये रिंग वगैरह होती है और ये आपकी भाई ड्रिल मशीन है, इस तरीके से काम किया जाता है। बाकी इसके अलावा इसमें लगाया जाएगा आर्म रेस्ट वगैरह, वो भी दिखा दूंगा। गत्ते की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की होती है यार, और बैक साइड में पार्सल ट्रे वगैरह खुद की आई थी। इसमें म्यूजिक सेटअप है इनका खुद का ही, सोनी का वूफर है और ये V12 एम्पलीफायर है। ये इंस्टॉल कर दिया जाएगा, सिर्फ वायरिंग वगैरह लगेगी। इसके अलावा नई वाली बलेनो में 3 हेडरेस्ट आते हैं इस तरीके से, और काम अपनी फुल स्पीड में चला हुआ है। मेरे साथ बने रहिए, आपको दिखाते रहें काम किस तरीके से किया जा रहा है। अभी थोड़ा काम हो चुका है, आपको दिखा देता हूँ। अरे वाह, देखो कितनी गाड़ी खुली हुई है। सो एंड्रॉइड स्टीरियो वगैरह लगेगा। इसके अलावा टॉप वेरियंट का जो स्टेयरिंग है वो लग चुका है, ये देख लीजिए आप कुछ इस तरीके का होता है और पूरे का पूरा ये पैनल खुलता है, क्योंकि इसमें लगाया जाएगा एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड के लिए पूरा पैनल खुलता है, ये देख लीजिए आप। यहाँ पे बकेट फिटिंग सीट कवर स्टार्ट हो चुके हैं, इसका प्रोसेस देख दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से सीट्स वगैरह कटती हैं, थ्रेडनिंग हट के फिर लगाई जाती है और जो लुक आती है ना वो कुछ इस तरीके की आती है, ये देखिए आप। बाकी आप जब लग जाएंगी सीट जब दिखाऊंगा। तो भाई वो फाइनल लुक जो सीट कवर से निकल के आई है ना वो ये आई है, एक बार लग जाएंगे फिर आप देखना। ये देखिए आप, यहाँ पे देखोगे ना आप तो फ्लोरिंग की जा रही है, जो कि बेसिक वाली फ्लोरिंग है और कुछ इस तरीके से की जाती है। अभी फिनिशिंग आनी बाकी है, जस्ट अभी वर्क स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज एंड्रॉइड वगैरह लग चुका है, स्टेयरिंग आप देख ही चुके हो और ये सारा पैनल वगैरह खुलता है इस तरीके से। बाकी इसकी बूफर की वायरिंग भी की गई है, वो भी आपको दिखा दूंगा। सारी वायरिंग कुछ इस तरीके से होती है भाई। वो सीट कवर्स की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, देख लीजिए पानी लगा हुआ है, कुछ और नहीं है। ये आर्म रेस्ट लगाया जा रहा है कुछ इस तरीके से। इसके अलावा एंड्रॉइड स्टीरियो वगैरह लग चुका है, पीछे कह रही ऐसा कुछ होता है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और अभी तो आर्म रेस्ट ही लग रहा है, बाकी एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा सेटअप जब आपको और दिखाऊंगा मैं। तो भाई वो गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सौरभ मुझे बताएगा कि क्या क्या काम किया गया गाड़ी के अंदर। भाई एक्सटीरियर में फॉग लैंप लगाए बलेनो के अंदर। ओके। बाकी सारा काम जो है गाड़ी के अंदर किया गया। अच्छा, सो एक्सटीरियर में फॉग लैंप लगाए जो कि मिंडा ब्रांड है। ब्रांड के हैं। ओके, सो अब गाड़ी के इंटीरियर में चल लेते हैं एक बार और फिर डिस्कस कर लेंगे क्या काम किया गया है। सो गाइज यहाँ पे आप देखिए एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारा स्वागत होता है स्टेयरिंग के साथ। भाई टॉप मॉडल का स्टेयरिंग ZXI का, ये देख लीजिए आप। और गाड़ी किलोमीटर दिखाते हैं, भाई ने बस एक महीने पहले गाड़ी परचेज की, अभी किलोमीटर आ नहीं रही है। गाड़ी पानीपत से आई है। ओके। और DBS का एंड्रॉइड लगाया इसके अंदर। मैं उस साइड से आता हूँ यार, फिर ढंग से देख पाऊंगा मैं। और भाई बलेनो का ना वाइट कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू अदर कलर्स। तो गाड़ी को करते हैं अनलॉक और ये देखिए आप भाई, सीट कवर लगाए हैं ये। ओके। 5 साल की वारंटी सीट कवर की। अच्छा। और इटालियन फैब्रिक का कपड़ा, इटालियन कपड़ा है ये देख लीजिए आप। फिटिंग एंड फिनिशिंग देखिए आप,
एकदम स्नग फिट आ रहे हैं बिल्कुल। और इसके अलावा ये आपका, ये आपका आर्मरेस्ट लगा है ओएम फिटिंग स्लाइडर वाला, हर बार की तरह गियर नोब आपकी, ये ग्लोसी फ्रेम के साथ इस बार डीबीएस का एंड्रॉइड लगाया है। ओके, 232 की स्टोरेज है। अच्छा, और बलेनो में और भी काफ़ी आइटम है जो अपने पास अवेलेबल है, अभी लिमिटेड काम किया है इसके अंदर। अच्छा, और जैसे कि रूफ लाइट अपने पास है हर बार की तरह, जैसे कि हम हर गाड़ी में लाके दिखाते हैं, और इनक्रोम हैंडल है अपने पास, इसकी ग्लोसी किट है अपने पास, मतलब तमाम एसेसरीज मिल जाती है इसकी। यही कहना चाहते हो ना भाई, आप हमारे चैनल पर जाइए और वीडियोज़ देखिए, आपको बलेनो एकदम परफेक्ट फाइन फिटिंग के साथ दिखेगी आपको मॉडिफाइड। ओके, इसमें स्पीकर्स की बात की जाए तो क्या, इन्फिनिटी अल्फा लगाए हैं चारों। ओके, मैंने पहले प्यारा साउंड, बहुत प्यारा साउंड है, और जो भी भाई जिसे भी अगर थोड़ा साउंड का आउटपुट इनपुट देखना है ना, हेडफोन लगा के सुने, बहुत प्यारा इनपुट आएगा उसका, आउटपुट आएगा। उसके बैक की सीट और दिखा देते हैं, वो कैसी क्या कुछ नहीं होती है, और यहाँ पे मैट भी देख लो, ये मैट ग्रास वाले बेसिक मैट लगाए गए हैं, ये ग्रास मैट लगाए हैं। ओके, फ्लोरिंग की गई है। हाँ, वो मैं दिखा दिया पहले स्टार्ट, बेसिक वाली फ्लोरिंग है, आप चाहते इससे थोड़ी हाई एंड भी करा सकते हो। मैं देखो यार, सारी चीज़ें डिपेंड करती है अपने बजट के हिसाब से, अब जो बजट अलाउ करता है वही काम करवाना चाहिए। ये देखो आप, फिटिंग एंड फिनिशिंग से कहते हैं। अब बेस वेरिएंट में भी ना, जो मारुति है वो तीन सी हेडरेस्ट देती है, ये देख लीजिए आप, और बैक साइड से आप देख लो ऐसा कुछ है। बाकी भाई का रिव्यू लेते हैं एक बार, और इसमें आपको ना ऑडियो का आउटपुट भी सुनाएंगे। एनसीएस सॉन्ग देखो और एंजॉय करो। बिठाया बंदे उठने लेंगे मिंटो मिंट पत्त ना तो हस बली करता है तंग मैनू दस बली बाकी आपको कस्टमर रिव्यू और देते हैं एक बार। सो भाइयों, सारा काम आपको दिखा दिया है, एक बार ओनरशिप रिव्यू और जान लेते हैं। आ जाओ भाई। और गाड़ी ले मेरे को एक महीना हो गया तकरीबन, तो मैंने बिल्कुल पूरी जांच पड़ताल पूरी निकाल की, करोल बाग तक की, और अपनी जो अपनी कार मार्केट है पीछे कौन सेक्टर 7 वाली भी है, अच्छा नारपुर विलेज वाली, सारी बिल्कुल कवर करके तब जब मैं आगे बिल्कुल जो रेट है प्राइस सबसे बेस्ट लगा तो के सारा निचोड़ निकाल के आ पाए हो भाई साहब। पता क्या है, बिल्कुल निचोड़ मार गया हो, और बढ़िया काम करो और एमजीपी का जेनुइन पार्ट लगवाओ। बिल्कुल, अच्छा काम कैसा लगा आपको? बिल्कुल भाई साहब, एक नंबर काम ले गया है, बिल्कुल बेस्ट, हमने जो काम हमने सोचा था उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही है भाई। बाकी सब तो चीजों से, आप दोनों नाम नहीं बताया अपना। भाई साहब मेरा नाम सुमित है, सुमित का जन पानीपत से। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा रविन सूरा, पानीपत से। पानीपत से। तो भाई सौरभ कितना टाइम लगा, कितना बजट आया बता दे एक बार। भाई कम से कम 4-5 घंटे लग गए सारे काम में। अच्छा, और लगभग 36,000 रुपये का बजट है। 36,000। और भाई साहब इसका हमने लगा के चल रहे थे हम अपने हिसाब से कम से कम 40-45,000 रुपये का। अच्छा, जो हमारा वो था, तो तसल्ली से काम हो गया आपका ना? बिल्कुल भाई, एक नंबर बढ़िया काम। तो ये कह रहे भाई, जो भाई गाड़ी लेके आ रहे हैं अपना यहाँ पे, अपना काम करो और सौरभ भाई से मिलो और मोंटी भाई से मिलो। बिल्कुल बिल्कुल, बेस मॉडल भाई, टॉप मॉडल बना दिए बिल्कुल। चलो ठीक है, ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू भाई। So भाई ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी जरूर बताना। बाकी आप आ सकते हैं ऐसे अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करवाने का, अभी इतना ही। जय हिंद जय भारत। 36,000 में इस तरीके का आप अपनी गाड़ी में करवा सकते हो आप। ये आप कैमरे की है ना क्वालिटी भी देख लो, दिन में ऐसी है। ठीक है भाई, कैमरे की क्वालिटी मैं पीछे देख रहा था भाई, मैं बिल्कुल बढ़िया भाई। तो कैमरे की क्वालिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो, एक नंबर भाई, बिल्कुल बढ़िया एचडी बिल्कुल। और फिटिंग दिखाऊं ना आपको कैमरे की, तो यहाँ पे ये फिटिंग आई है कैमरे की।